हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी उत्तराखंड में वैकेंसीज आने का दौर शुरू हो चुका है। इससे पहले मैंने सौरभ सर के साथ लेक्चरर प्रिपरेशन कैसे करें इसके बारे में आपको बताया था, और आज मैं आपको बताऊंगा जो एलटी वैकेंसीज आई हैं कि एलटी की प्रिपरेशन कैसे करें। सौरभ सर, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि अभी उत्तराखंड में वैकेंसीज आने का दौर शुरू हो चुका है, उससे पहले लेक्चरर की वैकेंसी आई थी और जो अभी रिसेंट आई हैं वो एलटी की वैकेंसीज आई हैं, 1431 पोस्ट। और जैसा कि आप सभी को पता है, आपके मेंटर सौरभ सर इसमें बिल्कुल मास्टर हैं। तो सौरभ सर, आप बताएंगे कि एलटी की तैयारी हम कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। एलटी यानी लाइसेंशिएट इन टीचिंग बहुत ही बड़ा एक पोस्ट है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड का यूथ काफ़ी समय से इसका टकटकी लगा कर, जिसे हम कह सकते हैं, इंतज़ार कर रहा था। और लेक्चरर के साथ साथ एलटी का आना, जैसे कि मान लीजिए एक और सांता ने गिफ्ट दे दिया हो पूरे के पूरे उत्तराखंड के यूथ को। तो एलटी एक 1400 से ज़्यादा इसमें वैकेंसीज हैं सर, और 9th-10th का टीचर होता है, जिसमें कि बीएड प्लस बीए एंड टेट, सी टेट या यू टेट में से खासकर जो सेकंड पेपर है उसका कोई भी एक पेपर क्वालिफाइड हो तो कोई भी कैंडिडेट उसके लिए आवेदन कर सकता है। ओके, थैंक यू सर। तो स्टूडेंट, आप सौरभ सर के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन यदि आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सौरभ सर के बारे में बता दूँ। सौरभ सर इज द चीफ मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ नॉलेज जंक्शन। सौरभ सर का 5 टाइम नेट इंग्लिश में निकला हुआ है, 1 JRF निकला हुआ है, और साथ में सर के 3 स्टेट्स के सेट क्लियर हैं, उत्तराखंड सेट, गुजरात सेट एंड HP सेट। और जिस सरकारी नौकरी की हम सभी तमन्ना करते हैं, सौरभ सर ने वह सरकारी नौकरी छोड़ी हुई है। सौरभ सर का इससे पहले UKPSC के थ्रू डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सलेक्शन हो चुका था। तो सर, मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपका वह सफलता का सूत्र क्या है, या व्हाट इज़ योर सक्सेस सीक्रेट कि जिससे आपने सरकारी नौकरी पाई। सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं हर लर्नर को ये बात काफ़ी समय से कहता आ रहा हूँ, आपकी ज्ञान के लिए तड़प वो सीक्रेट फार्मूला है जो किसी को भी सक्सेस तक ले जाता है। और जैसे कि 3 Idiots में फेमसली कहा गया है कि अगर हम काबिलियत के पीछे भागेंगे तो सफलता झक मार के पीछे आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी क्रेविंग है लर्निंग के लिए तो दैट अनएंडिंग प्रोसेस विल गिव यू एक्साइटमेंट थ्रू आउट योर लाइफ। ओके, थैंक यू सर। सर, अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर स्टूडेंट बताया नॉलेज जंक्शन के बारे में, तो सर जैसे LT में है ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर पेपर्स होते हैं, तो नॉलेज जंक्शन इस फील्ड में क्या काम कर रहा है? सर, नॉलेज जंक्शन एक अपने आप में लीडिंग ऑनलाइन इस समय प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ पर हम बहुत सारे कोर्सेज को लॉन्च कर चुके हैं, जैसे कि LT लेक्चरर इंग्लिश को पूरा मैं ही देख रहा हूँ, और उसके अलावा मैथ्स चल रहा है सर, फिजिक्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है, हमने डिसाइड कर लिया है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इन सब्जेक्ट्स पे भी जल्दी ही आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम, ये सिर्फ हमारा एक विज़न है कि हमें हाई क्वालिटी विद कॉस्ट इफेक्टिव रेट अपने उत्तराखंड के यूथ को देना है, ताकि ये सब LT लेक्चर में आगे बढ़ें और हमारे उत्तराखंड को एक बहुत ही कामयाब पोजीशंस पे ले जाएं। ऐसा हम लोगों का एक छोटा सा विजन है सर। चलिए, आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेज, और स्टूडेंट आपको भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर और आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम पर्टिकुलरली LT इंग्लिश की बात करें तो LT इंग्लिश में बच्चों को कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो पेपर है ये शायद अप्रैल के महीने में होना है नेक्स्ट ईयर, तो हमारे पास लगभग 6 से 7 महीने हैं, और अगर कोई भी यहाँ पर चाहे तो इस 6-7 महीने में तैयारी करके सरकारी नौकरी बिल्कुल श्योर कर सकता है। तो सर, आप बताएंगे कि वो स्टार्ट कहाँ से करें? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। बेसिक लेवल पे हम इंग्लिश लिटरेचर को बात करें तो पेपर के पैटर्न पे तो लगभग 70 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट आएगा, 30 मार्क्स का लगभग पेडागोजी है सर, और 70 मार्क्स में भी 40-50 मार्क्स का लिटरेचर है, प्लस 20-25 मार्क्स का ग्रामर है। तो ग्रामर के लिए हम बताते हैं, नीतू सिंह मैम की एक बुक है, बहुत शानदार है, और लुसिन जनरल इंग्लिश का सिलेक्टेड मटेरियल भी बहुत अच्छा है। लिटरेचर की जहाँ तक बात है तो इसका त्रिस्तरीय एक फार्मूला है,
तीन लेवल पर हम इस फॉर्मूले को देखते हैं। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करें, लिटरेरी टर्म्स जिसे हम कहते हैं, जैसे कि लिरिक, बैले और जो हमारे साहित्य से संबंधित छोटे छोटे टर्म्स हैं। उसके बाद लिटरेरी एजेस का एक खाका बना लें ताकि आपका एक स्ट्रक्चर बन जाए, और फिर आप इंडिविजुअल ऑथर्स जो कि लेक्चरर एलटी के सिलेबस में दिए हैं, एलटी के सिलेबस में नहीं दिए हैं, लेक्चरर के सिलेबस में दिए हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो एलटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लेक्चरर की प्रिपरेशन करें, उसी में आपका एलटी कवर होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है लर्नर्स, खासकर इंग्लिश के परिप्रेक्ष्य में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी टिप्स दी सर आपने। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। जी हाँ, वो वेदाश्री लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल की आपकी पेरेंट कंपनी है, उसने और सौरभ सर ने यानी नॉलेज जंक्शन ने एक पार्टनरशिप की है। इसमें हम आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कोर्सेज लाते रहेंगे। इसके लिए आपको नॉलेज जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, या फिर आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर आप गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सौरभ सर, आपका इस वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स, फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।